नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 9वीं की विज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग दो चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं, ये आपका तीसरा चैप्टर है। आज बात करेंगे परमाणु एवं अणु के बारे में। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि समय रहते हुए आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ लें, क्योंकि इसका कोई आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है। अगर आप सिविल सर्विस या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बेहतर है कि सभी बुक्स एनसीईआरटी की पढ़ लें, ठीक है। तो कक्षा 9वीं का ये तीसरा अध्याय है और इसी विज्ञान को खत्म होने के बाद करने के बाद हमारी 9वीं तक की कक्षा 6वीं से लेकर 9वीं तक की सभी बुक्स कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद हम लोग कक्षा 10वीं में चलेंगे। तो इन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जो हमारे लिए सिविल सर्विस के लिए एनसीईआरटी जरूरी है। उन सभी की पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डली हुई, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अध्याय 3, प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के आज्ञात एवं आदर्श रूपों से सदैव चकित होते रहे। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग आपका 500 ईसा पूर्व यानी कि 500 बीसी पूर्व बीसी में विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त हो जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता है, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा था। इस बात को आप लोग कई बार देख भी चुके हैं कि कई पूछते हैं, कई जगह लिखा भी मिल जाता है कि परमाणु क्या है। तो हम लोग कह देते हैं कि वह सूक्ष्मतम कण जिसे और विभाज्य और विभाजित नहीं किया जा सकता है, यानी कि उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे हम लोग परमाणु कह देते हैं। एक अन्य भारतीय दार्शनिक थे पपुधा कात्यायन। इन्होंने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया और कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रवों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रेटस और लीवोसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता है, यानी कि कण को और छोटे भागों में नहीं बांटा जा सकता है। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्या सहयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर सहयोग करते हैं तब क्या होता है। वैज्ञानिक आत्वा एल लवाइजिए ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया, जिसने रासायनिक विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। तो रासायनिक संयोजन के नियम लवाइजिए एवं जोजप एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किए। कौन कौन से नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जब रासायनिक परिवर्तन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है। चलिए इसे क्रियाकलाप 3.1 द्वारा समझते हैं। निम्न एक्स और वाई रसायनों का एक युगल लीजिए एक्स और वाई। एक्स में अपर कॉपर सल्फेट 1.25 ग्राम और वाई में सोडियम कार्बोनेट 1.43 यानी कि 1.43 ग्राम। एक्स में आप लोग बेरियम क्लोराइड लिख सकते हैं 1.22 ग्राम और वाई में सोडियम सल्फेट 1.53 ग्राम। एक्स में लेड नाइट्रेट 2.01 ग्राम और वाई में सोडियम क्लोराइड 1.17 ग्राम। एक्स वाई युगलों की सूची में से किसी एक युगल के रसायनों के अलग अलग विलयन 10 ml जल में तैयार कीजिए। उपरोक्त तैयार हुए युगल विलयनों में से वाई के विलयन को एक शंक्वाकार
फ्लास्क में लीजिए एवं एक्स के विलयन को एक छोटी परख नली में लीजिए। छोटी परख नली को विलय युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाइए ताकि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित ना हो। तत्पश्चात फ्लास्क के मुख पर एक कार्क चित्र 3.1 की भांति लगाइए। इस तरह से ये डोरी हो गई, शंक्वाकार फ्लास्क, छोटी परख नली यहाँ रख दी गई, इसमें एक्स का विलयन हो गया इसमें छोटी परख नली में, वाई का विलयन इसमें, ठीक है, वाई के विलयन युक्त शंक्वाकार फ्लास्क में डूबी हुई एक्स के विलयन युक्त छोटी परख नली है। अंतर्वस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानी पूर्वक तौल लीजिए। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाइए जिससे एक्स वाई के विलयन परस्पर मिश्रित हो जाए, यानी कि दोनों मिल जाए। अब इस फ्लास्क को पुनः तौल लीजिए। शंक्वाकार फ्लास्क में क्या क्रिया हुई है? क्या आप सोचते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? फ्लास्क के मुख पर कार्क क्यों लगाते हैं? क्या फ्लास्क के द्रव्यमान एवं अंतर वस्तुओं में कोई परिवर्तन हुआ है? याद रखिए, इस तरह के जो भी क्रियाकलाप हुआ करें उन्हें आपको पढ़ना है और आराम से निकल जाना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप लोग प्रयोगशाला में करते बैठ गए तो मुझे लगता है 2-4 साल इसी में गुजर जाएंगे। तो आपके लिए नहीं है, जो कक्षा 9वीं का बच्चा होगा वो प्रयोगशाला में बैठकर करता रहेगा, आपको पढ़ना है, सिर्फ निकल जाना है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। इस पूरे क्रियाकलाप को करने का उद्देश्य सिर्फ इतनी सी परिभाषा देना था कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। फिर बात करते हैं स्थिर अनुपात का नियम। लवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो या अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। यौगिक जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन भी प्राप्त होगी। इसी प्रकार अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों का अनुपात अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनियम किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो या फिर किसी भी स्रोत से ली गई हो। उपयुक्त तो उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी हम लोग कहते हैं। प्राउट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया है ताकि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। बात कर लेते हैं जॉन डाल्टन के बारे में। इनका 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। समझ रहे हैं आप लोग, 12 वर्ष में हमारे यहाँ या 22, 25, 30 साल तक हम लोग जानते ही नहीं है, बचकाना नहीं जाता है, या आपकी अपनी जीविका चलाने लगा 12 साल का लड़का। उसके बाद 7 साल बाद यानी कि आपका 19 साल के करीब, 19-20 साल के करीब ये एक स्कूल के प्रिंसिपल भी बन गए। 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहां पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण शोध कार्य में व्यतीत किया। 1808 में उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया जो ध्रुवों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेज रसायनिक जॉन डाल्टन ने द्रवों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव की विभाज्यता का विचार प्रदान किया जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रवों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जिसे परमाणु नाम दिया गया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम की युक्तिसंगत व्याख्या भी की। जो हम लोगों ने द्रव्यमान के संरक्षण की बात की थी, नियम को देखा है, और निश्चित अनुपात का नियम देखा है, उसकी युक्तिसंगत व्याख्या आपके जॉन डाल्टन ने की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव, चाहे तत्व, यौगिक या फिर मिश्रण हो,
सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उत्सर्जित होते हैं ना ही उनका विनाश होता है। दिए गए तत्व सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में सहयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एक संख्या एवं विकार निश्चित होता है। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे परमाणु में और छोटे कण विद्यमान होते हैं। ठीक है, ये आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये भी दिए गए। पर चलते हैं हम लोग, परमाणु क्या होता है आखिर? क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? इन दीवारों से एक कमरा एवं कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है। उसी विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? किसी बॉबी की रचनात्मक इकाई क्या होती है? यह रेत का छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रवों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। परमाणु कितने बड़े होते हैं? परमाणु बहुत छोटे होते हैं। एक किसी भी वस्तु या वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूम में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक सीट जितनी मोटी परत बन सकती है। आप समझ रहे हैं, लाखों परमाणुओं को। परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। 10^-9 मीटर बराबर 1 नैनोमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 10^9 नैनोमीटर। सापेक्ष आकार की बात करें त्रिज्या मीटर में, उदाहरण जैसे 10^-10 हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या है। जल अणु की 10^-9। हीमोग्लोबिन अणु की 10^-8 और रेत कण की 10^-4। चींटी की 10^-3। सेब की 10^-1। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म यानी कि इतना छोटा है तो हम इसे नगण्य मान सकते हैं। तो हम इसके बारे में क्या सोचें? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना हुआ है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकें फिर भी वे यहाँ विद्यमान है तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्तित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं जिन्हें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। सिलिकॉन सतह पर प्रतिबिंब है, देख लीजिए। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की आधुनिक प्रतीक क्या है इन्हें भी देखते हैं। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था। उन्होंने किसी भी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उन तत्वों की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नाम की एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता। हाइड्रोजन का देखिए प्रतीक, डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक हैं। फास्फोरस का ये, कॉपर का, गोल्ड का, कार्बन का, सल्फर का, सीसा का, प्लेटिनियम का, प्लेटिना का, ऑक्सीजन का, आयरन का, सिल्वर का, पारा का, ये सभी प्रतीक हैं। प्रारंभ में तत्वों के नाम को व्युत्पत्ति उन स्थानों के नाम से की गई थी जहां वे सर्वप्रथम पाए गए थे। उदाहरण के लिए कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ है। कुछ तत्वों के नाम को विशिष्ट रंगों से लिया गया था। उदाहरण के लिए स्वर्ण यानी कि गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस अक्षर से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नाम, प्रतीकों और मात्रकों की कुछ स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या फिर दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर यानी कि कैपिटल में और दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर यानी कि स्मॉल में लिखा जाता है।
हाइड्रोजन को एच इसका संकेत है, एल्यूमिनियम ए आई ना कि ए एल, सॉरी ए एल है, स्मॉल एल है, ठीक है। कोबाल्ट का सीओ ना कि सीओ, याद रखिए यहां एक कैपिटल, पहला अक्षर कैपिटल लिया जाएगा, दूसरा स्मॉल, यानी कि सी कैपिटल रहेगा, ओ स्मॉल, ना कि इन्हें दोनों कैपिटल नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक है। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाली किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग क्लोरीन ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्लोरीन, या फिर जिंक ले सकते हैं, ZN। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन, ग्रीक भाषाओं में उनके नाम से बनाया जाता है। उदाहरण के लिए लोहे, आयरन का प्रतीक Fe है, उसके लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न किया गया है। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na तथा पोटेशियम का प्रतीक K क्रमशः नेट्रियम और केलियम से व्युत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। कुछ तत्व दिए गए आपके, इन्हें देख लीजिए, उनके प्रतीक हैं, ये तत्व हो गए, ये प्रतीक हो गए, एल्यूमिनियम Al, आर्गन Ar, बेरियम Ba, बोरॉन B, प्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट Co, कॉपर Cu, क्लोरीन F, सॉलिड गोल्ड Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन, आयरन Fe, सीसा Pb, मैग्नीशियम Pb, Mg, नियोन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, चांदी सिल्वर को Ag से, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम Au, जिंक Zn। इनसे हमें इन्हें व्यक्त करते हैं प्रतीक के रूप में, ठीक है। ऑक्सीजन O हो गया, इस तरह से आप लोग यही शब्द यूज देखने को मिलता है आपका प्रतीक के रूप में। हम लोग ऑक्सीजन लिखा कम पढ़ते हैं, O का ज्यादा यूज करते हैं आगे, ठीक है, हर जगह। अब बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान के बारे में। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया। जब कभी आप तथ्यों का अध्ययन करें तो आपके संदर्भ में लिए हुए उपयुक्त सारणी दी गई है, इसे उपयोग करते हैं। इस पूरी सारणी को एक बार में याद करने की आवश्यकता नहीं, समय समय पर एवं बार बार उपयोग करते रहने से आप स्वतः ही इन प्रतीकों को निर्मित करना सीख जाएंगे, यानी कि इन्हें याद रख लेंगे। हम यहाँ पर एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड CO का उदाहरण लेते हैं, जो कार्बन एवं ऑक्सीजन द्वारा निर्मित है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड है जो आपका कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। प्रायोगिक तौर पर निरीक्षित किया गया 3G यानी कि 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम इसमें ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4 3/4 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होता है। मान लीजिए कि हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो कार्बन परमाणु को 1.0 U तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 U निर्दिष्ट करते हैं। प्यारम्भ में परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा संक्षिप्त में लिखते थे, लेकिन आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसको U यानी कि यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ जो आपका U यूज किया गया है उपयोग, इसे यूनिफाइड द्रव्यमान के द्वारा यानी कि इसका प्रतीक है यूनिफाइड द्रव्यमान का। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या फिर लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमानों की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किया। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाइयों के बारे में शोधरत थे, तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृतिजन ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमानों के
1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया, दो कारणों से इसे सुसंगत समझा गया। पहला है आपका ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। तथापि 1961 परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 यानी कि कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान के 1/12 के भाग 12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के 1 परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए। कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है। वह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई, 12 तरबूजीय इकाई अथवा 12 फल द्रव्यमान इकाई है। वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है तथा पता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष जैसा है, जैसा कि चित्र 3.4 में दिखाया गया। अब वह फलों को सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई FMU में बेचता है। तरबूज हो गया, बी में आपने देखा होगा ए टुकड़े हो गए, सी में तरबूज का 1/12 हिस्सा हो गया। तरबूज के टुकड़े का उपयोग करके वह फल विक्रेता फलों को कैसे तोलता है, इसे आप लोगों ने बाजार में देखा होगा। जब हम लोग सब्जी लेने जाते हैं गांव की तरफ इसे ज्यादा देखा जाता है। जब उसके पास तोलने का अधिक तराजू मतलब मापन नहीं होता है, जैसे 1 किलो हो गया 2 किलो, उसके बाद 2 किलो नहीं है तो वो क्या करता है, सब्जी को 2 किलो की बराबर कर लेता है, उसे फिर एक जगह रख देता है 2 किलो को, तो 4 किलो बन जाता है। तो इसी तरह से दिखाया जा रहा है किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। यहां कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं, जैसे आपके तत्व हो गए परमाणु द्रव्यमान हो गए, हाइड्रोजन इसका परमाणु द्रव्यमान 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32 यानी कि 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40 द्रव्यमान है। अब बात करते हैं परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं और उसे छू भी सकते हैं। ये क्वेश्चंस दिए गए, इन्हें भी आप लोग ऊपर सब कुछ समझ चुके हैं, आप इनके आंसर दे सकते हैं। अणु क्या होता है आखिर, परमाणु की आपने परिभाषा समझ ली है, अब अणु क्या होता है आखिर इसे भी देखते हैं। साधारणतः अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्म कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। या आपने देखा है कि अणु को हम लोग स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, और जो अणु है आपकी ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं और परमाणुओं से बनकर अणु बनते हैं। क्या है, परमाणुओं से बनकर आपके अणु का निर्माण होता है। तत्वों के अणु की बात करें तो किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। आर्गन, AR, हीलियम, HE इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश धातुओं में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसलिए इसे द्वि परमाणु अणु O2 कहते हैं। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो ये हमें ऑक्सीजन बन जाती है। आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन O3 को ऑक्सीजन कहते हैं। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है, किंतु उनके अणुओं के में आसमित परमाणु
परस्पर बंधी होते हैं। आइए कुछ तत्वों की परमाणुकता का अवलोकन करेंगे हम लोग। कुछ तत्वों की परमाणुकता, तत्वों के प्रकार हो गए, ये नाम हो गए, ये परमाणुकता हो गई। जैसे अधातु सबसे पहले बात करते हैं, आर्गन एक परमाणु होता है, हीलियम एक परमाणु, ऑक्सीजन दो ही परमाणु, हाइड्रोजन दो ही परमाणु, नाइट्रोजन दो ही परमाणु, क्लोरीन दो ही परमाणु, फॉस्फोरस चतुर परमाणु, सल्फर बहु परमाणु। धातुओं की बात करें तो सोडियम एक परमाणु, आयरन एक परमाणु, एल्यूमिनियम एक परमाणु, कॉपर एक परमाणु। अब बात करते हैं यौगिक के अणु, यौगिकों के जो अणु हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। सारणी 3.4 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं आपके, देख लीजिए। कुछ यौगिकों के अणु यौगिक हो गए, संयुक्त तत्व हो गए द्रव्यमान अनुपात में। जल, ये आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनकर मिलता है, इसमें अनुपात रहता है द्रव्यमान इसका 1:8, एक आपका ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन का अनुपात है, ऑक्सीजन का 8 है। अमोनियम, ये आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 14:3:1। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड ऑक्सीजन, इसमें 3.3:8, यानी कि 3:8 है। क्रियाकलाप 3.2 को समझते हैं लोग। अणुओं में विद्यमान परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपात के लिए सारणी 3.4 एवं तत्वों के परमाणुओं द्रव्यमान के लिए सारणी 3.2 देखिए। सारणी 3.4 में दिए गए यौगिकों के अणुओं में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या के अनुपात को ज्ञात कीजिए। जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। ये तत्व हो गया आपकी द्रव्यमान अनुपात परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान अनुपात परमाणु द्रव्यमान के, और सरलतम अनुपात। तत्व आपका हाइड्रोजन है, इसमें द्रव्यमान अनुपात 1, परमाणु द्रव्यमान 1 और परमाणु द्रव्यमान 1 है इसमें, ठीक है, द्रव्यमान अनुपात। सरलतम अनुपात इसका 2 है। फिर आपका ऑक्सीजन, इसमें द्रव्यमान अनुपात 8, परमाणु द्रव्यमान 16, इस तरह से आपका इसमें परमाणु द्रव्यमान निकल आया है, द्रव्यमान अनुपात 1:2 और इसका सरलतम अनुपात है 1। इस प्रकार जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात H अनुपात O यानी कि बराबर होता है 2:1। दो हाइड्रोजन हो गए, एक आपका ऑक्सीजन हो गया। आयन क्या होते हैं, आयन क्या होता है, धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है, या ऋण आवेश यानी कि धन आवेश अथवा ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है। ऋण आवेशित आयन को ऋण आयन तथा धन आवेशित आयन को धन आयन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl को लीजिए, इसमें धनायन सोडियम आयन है यानी कि Na है तथा ऋणायन क्लोराइड है यानी कि Cl, संगठक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे हम लोग बहुपरमाणु आयन कहते हैं। हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। कुछ आयनिक यौगिक हैं आपके नीचे, आयनिक यौगिक हो गए, संगठक तत्व हो गए, द्रव्यमान अनुपात हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड इसमें तत्व हैं, 5:2। मैग्नीशियम एवं सल्फाइड 3:4। सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन है इसमें 23:35:5 इसका। अब बात करते हैं रासायनिक सूत्र लिखना, क्या करना, रासायनिक सूत्र लिखना। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं। इस अभ्यास के लिए हमें तत्वों के प्रतीकों उनकी संयोजन क्षमता ज्ञात होनी चाहिए। किसी तत्व का संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है।
किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार से ये संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसका ग्राफ इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं हम लोग। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ अथवा पूजा के रूप में विचार किया जा सकता है। कुछ सामान्य सरल और बहु परमाणु परमाणु आयन, ये संयोजन कथा हो गई संयोजकता, ये आयन का नाम हो गया संकेत हो गया आधात्मिक तत्व संकेत, बहु परमाणुविक आयन और संकेत। ठीक है, तो याद देखिए सोडियम Na+, प्लस पोटेशियम K+, प्लस सिल्वर Ag+, प्लस कॉपर Cu+। ठीक है, और यहां फिर आपका सोडियम, देखिए सोडियम को मिलाकर हाइड्रोजन और सोडियम को मिलाकर आपका इस तरह से अमोनिया बनता है दोनों को मिलाकर, और इसका सूत्र होता है NH4+। पोटेशियम में K और हाइड्राइड मिलकर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं OH- आयन। सिल्वर और क्लोराइड मिलकर आपकी NO3 बनाते हैं नाइट्रेट। कॉपर और ब्रोमाइड आयोडाइड मिलकर ये हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं, इसका सूत्र है HCO3- आयन। मैग्नीशियम और ऑक्साइड मिलकर कार्बोनेट बनाते हैं, इसका सूत्र है CO3 की पावर 2 माइनस। कैल्शियम और सल्फाइड मिलकर सल्फाइड बनाते हैं SO3 की पावर माइनस 2 माइनस आयन है। जिंक और सल्फेट मिलकर ये आपका SO4 की पावर 2 माइनस आयन। आयरन को Fe2+, प्लस कॉपर Cu2+, प्लस एल्यूमिनियम नाइट्राइट मिलकर फॉस्फेट बनाते हैं PO4 की पावर 3 माइनस आयन, आयरन Fe3+। प्लस कुछ तत्व एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं, संयोजकता को कोष्टक में रोमन संख्याओं द्वारा प्रदर्शित करता है। ये आपकी रोमन संख्या दी गई है, ये आपकी रोमन संख्या है। मानव की दो भुजाएं तथा ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती हैं। ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की केवल एक भुजा पकड़ सकती है। यदि एक ऑक्टोपस को कुछ मानव को इस प्रकार से पकड़ना है कि उनकी 8 भुजाएं मानव की दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाएं, तो आपके विचार में ऑक्टोपस कुल कितने मानव को पकड़ सकता है? अब ऑक्टोपस को O और मानव को S से निरूपित कीजिए। क्या आप इस संयोजन के लिए सूत्र लिख सकते हैं? क्या आप OH को सूत्र के रूप में प्राप्त करेंगे? पदांक 4 ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए मानव की संख्या को प्रदर्शित करता है। सीधा सा मतलब है कि O है उसमें इतनी शक्ति है कि वो हाइड्रोजन के 4 आयन को संभाल सकता है। ठीक है, सारणी 3.6 में कुछ सरल एवं बहुपारमाणिक आयनों की संयोजकता दी गई है। संयोजकता के बारे में हम और अधिक जानकारी अगले अध्याय में प्राप्त करेंगे। रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। कौन से नियम है? आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। जब एक यौगिक किसी धातु या फिर अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सोडियम क्लोराइड NaCl, आयरन सल्फाइड FeS, कॉपर ऑक्साइड COO, CuO इत्यादि, जहां पर ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर अधातुएं हैं तथा उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं, जबकि कैल्शियम सोडियम आयरन कॉपर धातुएं उन्हें बाईं तरफ लिखते हैं। बहु परमाणु आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयनों को कोष्टक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्टक के बाहर लिखते हैं। उदाहरण के लिए Mg, इसे कोष्टक में OH, उसके बाहर आधार 2। यदि बहु परमाणु आयन की संख्या 1 हो तो कोष्टक की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं NaOH। अगर 2 है तो इसे कोष्टक की जरूरत पड़ेगी, अगर नहीं है तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं। सरल यौगिकों के सूत्र देखते हैं। दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्वियंगी यौगिक कहते हैं। सारणी 3.6 में कुछ आयनों की संयोजकता दी गई है। आप इनका उपयोग यौगिकों की सूत्रों को लिखने के लिए कर सकते हैं। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संगठक तत्वों के विधिक लिखकर उनकी संयोजकता लिखते हैं, जैसा कि निम्न उदाहरण में दर्शाया गया है। तत्पश्चात संयोजित परमाणुओं की संयोजकता को क्रॉस करके अणु सूत्र लिखते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र,
तत्व पिटी एच हो गया, संयोजकता एक हो गई, इसका सी एल और ए। हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र एस सी एल होगा आपका, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड के सूत्र की बात करें तो ये तत्व पिटी हो गए टू और संयोजकता एक एस। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र आप लोग लिख सकते हैं एच टू एस। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का सूत्र इस तरह से लिखते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड सूत्र होगा सी सी एल फोर। मैग्नेशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हम धनायन का संकेत एम जी टू प्लस लिखते हैं, इसके पश्चात रेडायन क्लोराइड यानी कि सी एल लिखते हैं, तत्पश्चात इनके आवेशों को आड़ा तिरछा करके हम सूत्र प्राप्त करते हैं इस तरह से। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र एम जी आयनस का देख रहे होंगे, माइनस एक माइनस और आवेश टू, आवेश यहाँ एक वन है और टू प्लस सी एल एम जी सी एल टू इस तरह से लिख सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में दो क्लोराइड आयन सी एल माइनस प्रत्येक मैग्नीशियम आयन और एम जी टू प्लस के लिए होता है। इस प्रकार के आयन आयनिक यौगिकों में धनात्मक ऋणात्मक आवेशों का संतुलन होना चाहिए, संपूर्ण संरचना उदासीन होनी चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार के सूत्रों में आयन के आवेशों को नहीं दर्शाया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र तत्व हो गया प्रत्येक Al और आवेश टू माइनस और आवेश या थ्री प्लस ओ, इस तरह से Al टू ओ थ्री इसका सूत्र हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड इस तरह से प्रत्येक हो गया इसका Ca और आवेश टू माइनस टू प्लस ओ ये आपका ओ हो गया। यहाँ पर दोनों तत्वों की संयोजकता समान है, इस सूत्र को Ca2 और O2 प्राप्त होता है, किंतु हम इस सूत्र को CaO के रूप में भी सरलीकृत कर सकते हैं, यानी कि दो को अनुपात ले लीजिए यानी कि कॉमन है तो हटा देंगे। बहुपरमाणु आयनों वाले यौगिकों की बात करें तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र Na इसका आवेश 1 माइनस और आवेश इसका Na3 का NO3 का 1 प्लस, इस प्रकार से Na NO3 इसका सूत्र हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र Ca इसका आवेश 1 माइनस और OH का 2 प्लस, इस तरह से Ca कोष्टक OH इसका आधार 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर एक होता है यहाँ आवेश इसका एक होता तो इसे कोष्टक की हमें जरूरत नहीं पड़ती। आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH 2 आधार 2 कोष्टक में लगाकर है, ना कि CaOH 2 है। अगर याद रखिए यहाँ फिर से बोल देता हूँ, एक आवेश होता तो इस तरह से आप लिख सकते थे AcaOH 2 ना लिखते थे हम लोग। अगर आपके बहु परमाणु यानी कि दो हैं तो यहाँ आप लोग Ca फिर कोष्टक OH फिर कोष्टक बंद H सॉरी 2 आधार इसका लिखेंगे। जब सूत्र में एक ही आयन के दो या दो से अधिक आयन होते हैं तो हमें उसके लिए कोष्टक का उपयोग करते हैं, यहाँ वह OH की कोष्टक को रखकर पदांक 2 लगाते हैं, तो जो यह निर्दिष्ट करता है कि एक कैल्शियम परमाणु के साथ दो हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हैं। दूसरे शब्दों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के प्रत्येक के दो दो परमाणु हैं। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र एक प्रत्येक हो गया यानी 2 माइनस इसका आवेश हो गया और CO3 का एक हो गया, इस तरह से इसका सूत्र लिख सकते हैं Na2CO3। उपयुक्त तो परमाणु उदाहरण में कोष्टक के उपयोग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुपरमाणविक आयन कार्बोनेट के हैं का एक ही आयन विद्यमान है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र लिख सकते हैं इसी तरह से आप लोग NH4 कोष्टक 2SO4, ठीक है। इसी से संबंधित ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, भी लगाते रहना आप लोग। अब आपका आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना। आणविक द्रव्यमान अनुभाग 3.2.2 में हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना कर चुके हैं। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमान का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार यह अणु वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई AU द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए जल H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1U तथा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U
अतः जल जिसमें दो परमाणु हाइड्रोजन एक परमाणु ऑक्सीजन होता है का आणविक द्रव्यमान बराबर होगा आपका 2 × 1, फिर आपका प्लस में होगा 1 × 16 बराबर होगा आपका 18 U। इसी तरह से आप लोग नाइट्रिक अम्ल का निकाल सकते हैं। ठीक, सूत्र इकाई द्रव्यमान, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया है। अंतर केवल इतना होता है कि जहां हम उस पदार्थ की सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र है NaCl। इसके इकाई सूत्र द्रव्यमान का परिकलन निम्न प्रकार कर सकते हैं, 1 × 23 U प्लस 1 × 35.5, 1 × 35.5 U बराबर 58.5 U। उदाहरण के लिए इस तरह से भी ले सकते हैं आप लोग, निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मोल अवोगाड्रो संख्या द्रव्यमान के बीच संबंध है। कार्बन परमाणुओं का मोल ये आपके 6.022 × 10³ कार्बन के परमाणु है, 12 ग्राम कार्बन। हाइड्रोजन परमाणुओं का एक मोल 6.2022 × 10³ हाइड्रोजन के परमाणु, 1 ग्राम हाइड्रोजन के परमाणु। किसी भी कण परमाणु अणु अथवा आयन एक का एक मोल 6.022 × 10³ उस कण की संख्या। उन कणों का सापेक्ष द्रव्यमान, अणुओं का मोल एक मोल 6.022 × 10³ अणुओं की संख्या, आणविक द्रव्यमान जी है। ये भी आपके क्वेश्चंस दिए गए, ने भी देख सकते हैं आप लोग। फिर आपकी मोल संकल्पना, याद रखिए आप लोग, साइंस ऐसी एक चीज है कि जो बड़ी बोरिंग लगेगी आपको। अगर आप प्रयोगशाला में बैठे होते तो शायद आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फील होती, बड़ा अच्छा लगता, लेकिन पढ़ने में से बोरिंग लगती है। तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है, तो हमें पढ़ना तो है, तो इसलिए पढ़ रहे हैं। या हम हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की किसी अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं जिसमें जल निर्मित होता है, 2H2+O2 अभिक्रिया करके 2H2 बनाता है। उपयुक्त अभिक्रिया यह निर्दिष्ट करती है कि हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ अभिक्रिया करके जल के दो अणु करते हैं, निर्मित करते हैं, अथवा हाइड्रोजन के अणु के 4 U ऑक्सीजन अणु के 32 U के साथ संयोजन करके 36 U जल अणु निर्मित करते हैं। उपयुक्त समीकरण से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम किसी भी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान अथवा उसके परमाणुओं की संख्या से अभिलक्षित कर सकते हैं, परंतु एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं अथवा अणुओं की संख्या सीधे प्राप्त की जा सकती है, हो सकती है। इसलिए पदार्थों की मात्राओं का ज्ञान उसके द्रव्यमानों के आधार की अपेक्षा उनके अणुओं अथवा परमाणुओं की संख्या के आधार पर प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। अतः नई इकाई मोल प्रस्तावित की गई है। किसी स्पीसीज परमाणु अणु आयन अथवा कण की एक मोल में मात्राओं की वह संख्या जो ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। किसी पदार्थ के एक मोल में कणों परमाणु अथवा अणु अथवा आयन की संख्या निश्चित होती है जिसका मान 6.022 × 10³ होता है। यह मान प्रायोगिक विधि से प्राप्त किया गया है। इसको अवोगाड्रो स्थिरांक या फिर अवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं, जिसको हम लोग N√0 से निरूपित करते हैं। यह नाम इतालवी वैज्ञानिक एमीडियो डीओ अवोगाड्रो के सम्मान में रखा गया है। एक मोल किसी पदार्थ का 6.022 × 10³ संख्या में, जैसे एक दर्जन बराबर 12, एक ग्रोस बराबर 144। यद्यपि मोल एक संख्या से संबंधित है, परंतु दर्जन या ग्रुप्स की तुलना में इसका एक और लाभ है, वह यह है कि किसी विशिष्ट पदार्थ की एक मोल में द्रव्यमान निश्चित हो रहा है। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु परमाणुओं एवं अणुओं यानी कि द्रव्यमान ग्राम के बराबर होता है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के द्रव्यमान को परमाणु इकाई द्रव्यमान इकाई U में प्रदान करते हैं।
किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान, जिसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं, हमें उसी संख्यात्मक मान को लेना पड़ेगा, परंतु इकाई को ई से जी में परिवर्तित करना होगा। परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 U होता है, अतः हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 1 G होता है, 1 ग्राम। ठीक है, एक द्रव्यमान हाइड्रोजन में केवल एक हाइड्रोजन परमाणु होता है, 1 ग्राम हाइड्रोजन में उसके 1 मोल परमाणु होते हैं, अर्थात उसमें 6.022×10^23 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। इस प्रकार 16 द्रव्यमान ऑक्सीजन में केवल एक ऑक्सीजन परमाणु होता है, 16 ग्राम ऑक्सीजन में उसके 1 मोल परमाणु होगी, अर्थात उसमें 6.022×10^23 ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। किसी अणु के ग्राम अणु द्रव्यमान अथवा मोलर द्रव्यमान को प्राप्त करने के लिए हम उसके संख्यात्मक मान, जो उसके अणु द्रव्यमान के बराबर होता है, उसको उपयुक्त उपरोक्त की तरह रखते हैं, परंतु हमें इकाई को ई से जी में परिवर्तित करना होगा। उदाहरण के लिए, जैसा कि हम पहले ही जल H2O के अणु द्रव्यमान का परिकलन कर चुके हैं, जिसका मान 16 U द्रव्यमान आता है। यहाँ से हम यह प्राप्त होता है कि 16 U जल में जल का केवल एक अणु होता है, 16 ग्राम जल में जल के 1 मोल अणु होते हैं, अर्थात उसमें 6.22×10^23 जल के अणु होते हैं। आपके रसायनज्ञों को अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए परमाणुओं एवं अणुओं की संख्याओं की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें द्रव्यमान को ग्रामों में संख्याओं के साथ संबंधित करना पड़ता है। इसको निम्न प्रकार से कर सकते हैं, 1 मोल बराबर 16 6.22×10^23 ग्राम सापेक्ष द्रव्यमान। अतः रसायनज्ञों के परिकलन की इकाई मोल होती हुई है। 1896 में विलहेल्म ऑस्टवाल्ड ने मोल शब्द प्रस्तावित किया था, जो एक लेटिन शब्द मोल्स से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है ढेर। किसी पदार्थ को परमाणु अथवा अणुओं के ढेर के रूप में विचार किया जा सकता है। सन 1967 में मोल इकाई स्वीकार कर ली गई, जो परमाणुओं एवं अणुओं की बेहद संख्याओं को निरूपित करने का सरलतम उपाय है। इसे उदाहरण से देख सकते हैं, निम्नलिखित में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। 52 ग्राम हीलियम द्रव्यमान से मोल प्राप्त कीजिए, 12.044×10^23 हीलियम परमाणुओं की संख्या कणों की संख्या से मोल प्राप्त कीजिए। इस तरह से हल कर सकते हैं, मोलों का संख्या n, द्रव्यमान दिया गया द्रव्यमान m, मोलर द्रव्यमान m कैपिटल में है, दिए गए कणों की संख्या n कैपिटल में, कणों की अवोगाड्रो संख्या n0 कैपिटल में। यहाँ हीलियम का परमाणु द्रव्यमान बराबर 4 U और हीलियम का मोल वर्ग द्रव्यमान में 4 G। अतः मोलों की संख्या दिया गया द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान, इस तरह से आप लोग निकला है। हम जानते हैं कि 1 मोल बराबर होता है ये संख्या 6.22×10^23 मोलों की संख्या, दिए गए कणों की संख्या अपॉन अवोगाड्रो संख्या, n बराबर आपका या अच्छे से देखिए, दिए गए कणों की संख्या हो गई अपॉन अवोगाड्रो संख्या हो गई, इस तरह से निकला है। इसे भी देख लीजिए आप लोग अच्छे से, बता रहा हूँ ना कि बड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इन सभी को आप देख सकते हैं। तो आपने क्या सीखा है इस अध्याय में? एक, इसमें बोरिंग का काम है तो इसमें एक अच्छी बात है कि हम लोगों को लास्ट में निष्कर्ष भी बता दिया जाता है। क्या क्या सीखा है? किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तनीय होता है, यह द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहलाता है। एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, इसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। तत्व को सूक्ष्म कण परमाणु होता है, जो स्वतंत्र रूप से प्रया नहीं रह सकता है, अतः उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्म कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है, या परमाणुओं के सभी गुण या पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित भी करता है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके सभी संगठकों तत्वों तथा सहयोग करने वाले सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। उनके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है। आणविक यौगिक
आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं। आयनिक यौगिकों में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या द्वारा यौगिक के रासायनिक सूत्र ज्ञात करते हैं। वैज्ञानिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमानों की तुलना करने के लिए सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान स्केल का उपयोग करते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप के परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान 12 निर्दिष्ट करता है किया जाता है। अन्य सभी तत्वों के परमाणुओं का सापेक्ष द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणुओं के द्रव्यमान के साथ तुलना करके प्राप्त करता है। 6.022×10^23 अवोगाड्रो स्थिरांक है, जो 12 ग्राम विद्यमान कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। मोल पदार्थ वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या परमाणु आयन अणु या फिर सूत्र इकाई आदि कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं के बराबर होती है। पदार्थों के एक मोल अणुओं का द्रव्यमान उसके मोलर द्रव्यमान के कहलाता है। ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं इसी अध्याय से संबंधित, आप देख सकते हैं। याद रखिए इसकी PDF आपकी टेलीग्राम पर ही उपलब्ध है, एक बार आप लोग उससे भी पढ़ सकते हैं, जब आपको टाइम मिले तो उससे भी पढ़ते रहिए। मेरा मानना है सीधी सी बात, एक से दो बार आप लोग NCERT पढ़िए और निकल जाइए, इसमें रटने का तो कुछ काम ही नहीं है। अगर एक दो बार में आपको आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है, ना ही आपको प्रयोगशाला की जरूरत है, केवल आपको पढ़ के निकलना है। तो चलिए अध्याय 3 खत्म हुआ, अध्याय 4 में हम लोग बात करेंगे परमाणु की संरचना के बारे में।